गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन टूडे वी आर डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें क्या करना है, एज हमने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, उसके थ्रू हमें ग्राफ पेपर पर क्या होगा, उसके लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल अप्रोच में रिप्रेजेंटेशन करना होता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, थर्ड लीनियर इक्वेशन वाई इक्वल टू 3x। देन वी आर ट्राई टू सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, मीन्स वी आर रिप्रेजेंट द ग्राफिकल अप्रोच आर गिवन लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन, मीन्स फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4, विच इज इक्वेशन नंबर 1। एंड विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी आर ट्राई टू सॉल्व, वी आर ट्राई टू फॉर्म ए टेबल। वी फॉर्म टेबल लाइक दिस, x एंड y। देन इन दिस इफ x इज 0, वी पुट फर्स्ट, हम क्या हमने बताया कि पहले हम कोई वेरिएबल एक 0 पुट करते हैं। वी फर्स्ट इफ x इज 0 मीन्स ए 0, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। देन y इक्वल टू 4, अगेन वी पुट y इक्वल टू 0, इफ वी पुट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, एंड अगेन इफ वी पुट x इक्वल टू 1, 1 पुट किया तो ये x प्लस y इक्वल टू 4। इसमें देखिए इफ वी पुट x इक्वल टू 1 तो 1 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू वेन 1 कम्स इन राइट हैंड साइड सो 4 माइनस नेगेटिव साइन इक्वल टू 3। सो इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3। नेक्स्ट इफ वी पुट x इक्वल टू 2, इन दिस x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 धन प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 4, ये देखिए 2 राइट साइड आएगा तो 2 माइनस 4 माइनस 2 2। देन इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2, क्लियर। नेक्स्ट इफ वी पुट y इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 3, कोई भी पुट करिए, x इक्वल टू 3 पुट करिए, हमने पुट किया देन 3 प्लस x इक्वल टू 3 पुट किया तो 3 प्लस y इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 4 माइनस, देखिए 3 राइट साइड आएगा तो निगेटिव 4 माइनस 3 1, सो वी गेट 3 एंड 1। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू लाइक दिस दिस प्रोसेस वी गेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स दिस कोऑर्डिनेट आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एंड फ्रॉम दिस वी हैव गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मीन्स 0, 4, 4, 0, 1, 3 एंड 2, 2, 3, 1। एंड नेक्स्ट स्टेप वी राइट द ऑब्टेन और फाइंड सॉल्यूशन एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म एंड ड्रा दिस कोऑर्डिनेट ऑन अ प्लेन पेपर और ग्राफ पेपर। सो आफ्टर ड्रा दिस पॉइंट वी ड्रा ए ग्राफ, वी लोकेट द पॉइंट 0, 4, फर्स्ट 0, 4 मीन्स एट x एक्सिस 0 यूनिट एंड y एक्सिस 4 यूनिट। सो x एक्सिस 0 यूनिट मीन्स दिस एंड y एक्सिस 4 यूनिट मीन्स दिस, सो दिस पॉइंट इंटरसेक्ट एट दिस, सो दिस इज 4, 0 एंड नेक्स्ट 0, 0, 4 नेक्स्ट 4, 0 मीन्स x एक्सिस पर 4 यूनिट एंड y एक्सिस पर 0 मीन्स दिस, सो इट इज 4, 0 एंड नेक्स्ट 1, 3, 1, 3 मीन्स x एक्सिस पर 1 यूनिट एंड y एक्सिस पे 3 यूनिट, बोथ आर इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, सो दिस इज 1, 3
नेक्स्ट टू टू एक्स एक्सिस पे टू यूनिट एंड वाई एक्सिस पे टू यूनिट, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे, दिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज टू टू। एंड नेक्स्ट थ्री वन मीन्स एक्स एक्सिस पर थ्री एंड वाई एक्सिस पे वन, बोथ आर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पे, तो नेक्स्ट दिस पॉइंट इज थ्री वन। सो आफ्टर दिस वी मीट दिस पॉइंट मीन्स जीरो फोर वन थ्री और टू टू थ्री वन एंड फोर जीरो को हम आपस में मीट कर देंगे, मिला देंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें फॉर्म होगा, एक लाइन फॉर्म होगी, विच इज़ द लाइन्स ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। क्लियर? अदर बाई सिमिलर प्रोसेस वी कैन रिप्रेजेंट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। एंड नाउ वी आर डिस्कस टू वाई इक्वल टू थ्री एक्स बाई सिमिलर प्रोसेस, इन दिस वी हैव गिवेन वाई इक्वल टू थ्री एक्स। नाउ विथ हेल्प ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन वी फॉर्म अ टेबल लाइक दिस। एक्स एंड वाई, इफ एक्स इज जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे थ्री इंटू जीरो, देन वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? इफ एक्स इज वन देन वाई इक्वल टू थ्री, वन एक्स के प्लेस पे वन करेंगे तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स है, तो थ्री इंटू वन इक्वल टू थ्री। अगेन इफ एक्स इक्वल टू टू तो थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स, देन वाई इक्वल टू सिक्स। अगेन इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन तो वाई इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री। क्लियर? तो माइनस वन माइनस थ्री, आगे मतलब कि आगे आप और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हाउ मेनी सोल्यूशन फाइंड आउट? इनफाइनाइटली मैनी, बट वी हैव फाउंड आउट फोर, फाइव थ्री टू जो आपकी। सो बाय सिमिलर प्रोसेस पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू, दिस प्रोसेस कैन बी यूज, वी आर फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। सो वी हैव फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन जीरो जीरो वन थ्री टू सिक्स एंड माइनस वन माइनस थ्री, विच इज रिटन एज अ कोऑर्डिनेट फॉर्म मीन्स जीरो जीरो वन थ्री टू सिक्स माइनस वन माइनस थ्री। एज सिमिलर प्रोसेस ऑफ अबव वी कैन ड्रा द गिवन द फाइंड आउट कोऑर्डिनेट इन ग्राफ। सो वी ड्रा ग्राफ इन दिस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो जीरो मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ जीरो जीरो मीन्स ओरिजिन, सो दिस। सेकेंड कोऑर्डिनेट वन थ्री मीन्स एक्स एक्सिस पर वन यूनिट मीन्स दिस, एंड वाई एक्सिस पर थ्री यूनिट मीन्स दिस। इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, कहाँ भी आपस में कट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट, सो इट इज वन थ्री। नेक्स्ट टू सिक्स मीन्स एक्स एक्सिस पर टू यूनिट एंड वाई एक्सिस पर सिक्स यूनिट मीन्स यहाँ, इन दोनों को आगे बढ़ाया, कहाँ पर कट किया आपस में, यहाँ जाके, तो दिस पॉइंट इज टू सिक्स। नेक्स्ट माइनस वन माइनस थ्री मीन्स एक्स एक्सिस पर माइनस वन एंड वाई एक्सिस पे माइनस थ्री, सो दिस पॉइंट आर इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, सो दिस इज माइनस वन माइनस थ्री। एंड आफ्टर दिस वी मीट ऑल द पॉइंट, सो इफ वी मीट ऑल द पॉइंट वी फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन विच इज द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर टू, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। ये कह रहा है कि आपको दो सोल्यूशन दिया है, टू एंड फोर्टीन, कह रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन, कह रहा है कि हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन आर लाइन्स फॉर्म एंड वाई। तो हम जानते हैं किसी भी सोल्यूशंस के लिए कितने लीनियर इक्वेशन और लाइंस फॉर्म हो सकते हैं, इन्फिनिटी। क्यों? वाई पूछ रहा है, वाई अगर फॉर्म होते हैं इन्फिनिटी या वन आर टू कोई भी, तो हमारा आंसर क्या है, इन्फिनिटी। बट कर एंड वाई बिकॉज इन एन इक्वेशन आर अ लीनियर इक्वेशन हाउ मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट। सो सोल्यूशन इज द विथ हेल्प ऑफ अ सोल्यूशन हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म, इन्फिनिटी। क्लियर?
सिंस 214 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयर फोर इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। देखिए एक्स प्लस वाई के प्लेस पे हम रख देंगे 2 and 14, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया 2 plus 14 = 16, विच इज राइट हैंड साइड। एंड अगेन नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन 2x + y = 18, इसमें देखिए 2x मीन्स 2 के प्लेस पे 2, x प्लेस पे 2, तो 2 जा 4 प्लस y के प्लेस पे 14, 4 + 14 = 18, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए भी सोल्यूशन हो रहा है इसका। नेक्स्ट x - y = -12, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 14, देन वी हैव ऑब्टेन -12 विच इज राइट हैंड साइड, सो आवर एजम्पशन इज ट्रू, मीन्स दीज आर द लीनियर इक्वेशन विच सोल्यूशन इज 2 and 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3-4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = a + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए हमें दिया है कि 3-4 लाई कहाँ कर रहा है, ग्राफ किसके ग्राफ पे, इक्वेशन 3y = ax + 7, देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो अगर ए गिवन पॉइंट्स लाई ऑन दिस इक्वेशन, सो दीज पॉइंट आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 3 and y = 4 इन दिस इक्वेशन, सो 3y है 3 into 4 = ax, मीन्स a into 3 + 7, देन 3 into 4 = 12, a into 3 = 3a + 7, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3a = 12, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 7 आएगा तो -12 - 7 = 5, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a = 5/3, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए कोई भी अगर लाई कर रहा है पॉइंट 3-4 इस पे लाई कर रहा है, उठा कर 3 पर पॉइंट इस पे वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर देंगे, हमें जो कांस्टेंट ए बी सी कोई किसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन फोर कर रहा कि द टैक्सी फेयर इज इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोग्राम रेट सॉरी फॉर फर्स्ट किलोमीटर रेट 8 rupees एंड फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 per kilometer, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज एक्स एंड टोटल फेयर एज वाई, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट ग्राफ। कह रहा है कि एक टैक्सी है जो एक सिटी में ट्रेवल कर रही है, करा हुआ फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करने का फेयर चार्ज कितना कर रहा है 8 rupees, और कह रहा है कि फॉर द सबसेकेंड डिस्टेंस इट इज 5 per kilometer, उसके बाद जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वह 5 per kilometer के रुपीज पर किलोमीटर के रेट में कर रहा है, तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर बाय एक्स किलोमीटर, कर रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक्स किलोमीटर, एंड टोटल फेयर और कितना टोटल फेयर ले रहा है टोटल किराया y rupees, राइट द लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए एंड ड्रा इट ग्राफिकल अप्रोच देन ऑन बेसिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंस फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर, हम क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना किराया दिया है 8 rupees, क्लियर। एंड करा आफ्टर दिस फर्स्ट फेयर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एवरी किलोमीटर रेट 5 rupees, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1 kilometer, सो आफ्टर 1 kilometer डिस्टेंस, अगर 1 kilometer डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो हाउ मेनी डिस्टेंस रिमेन, टोटल डिस्टेंस थी x, उसमें से अगर 1 kilometer मीन्स फेयर ऑफ 8 rupees वाला अगर डिस्टेंस कवर कर लिया तो कितना डिस्टेंस बची x - 1 kilometer, क्लियर। तो वी हैव रिमेन डिस्टेंस 1 minus 1 kilometer, देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा टोटल कितने रुपीज स्पेंड कर रहा है, कितने रुपीज फेयर y rupees, मीन्स पहले का 8
पहली किलोमीटर का 8 रुपीज़ एंड रिमेन किलोमीटर मीन्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वन किलोमीटर, रिमेनिंग किलोमीटर कितने के रेट से कर रहा है 5, सो 5 इंटू एक्स माइनस वन विच इम्प्लाइज डेट वाई इक्वल टू 8, 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 5x माइनस 5, देन 8 माइनस 5 माइनस सॉरी प्लस 3, 8 माइनस वाई, 8 माइनस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3, ये करेक्शन कर लीजिए इसमें इसमें बनेगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 5y x प्लस 3, इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 5x प्लस 3, करेक्शन कर लीजिए प्लस 3 होगा यहाँ पे। देन आफ्टर फाइंड आउट दिस वैल्यू मीन्स 5x प्लस 3 वी फॉर्म अ टेबल, हम एक टेबल फॉर्म करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सो बाय सिमिलर अबव प्रोसेस वी पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस 3 और सॉरी प्लस 3 हो जाएगा यहाँ देखिए करेक्शन के बाद, एंड इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5 और 3 8 हो जाएगा, एंड इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 13 हो जाएगा, इफ x इक्वल टू माइनस 1 देन y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर माइनस 2 हो जाएगा बिकॉज माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 3 देन वी हैव माइनस 2, देन दिस पॉइंट प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर विथ हेल्प ऑफ दिस वी कैन ड्रा ए ग्राफिकल अप्रोच ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस यू कैन ट्राई टू सॉल्व द अदर पार्ट ऑफ मीन्स अदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर टू मी। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 हु आर सबमिट द होमवर्क इज 29 स्टूडेंट्स। देन इन क्लास 9 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 59 मीन्स 30 स्टूडेंट हु आर नॉट सबमिट होमवर्क, देन दोज स्टूडेंट हु आर नॉट सबमिट होमवर्क वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरनल मार्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।